नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्म। आज बात करेंगे उस चीज की जो शुभता का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, जो हर धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा होता है। हम बात करेंगे आज कलश की। क्या आप जानते हैं कि कलश क्यों हर पूजा अनुष्ठान का हिस्सा होता है? क्यों कलश को पूजा के संपूर्ण लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है? कलश को लेकर ऐसी मान्यता है कि ये सभी तीर्थों का प्रतीक होता है। कलश में सभी देवी देवताओं की मातृशक्तियां होती हैं। इसके बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कलश से जुड़ी रोचक बातें। देखिए, कलश के प्रयोग से दूर होंगे कलेश, कलश के पूजन से होगा दरिद्रता का नाश। हिंदू धर्म में कलश की है विशेष मान्यता। किसी देवी देवता का पूजन कलश स्थापना के बिना अधूरा माना जाता है। जिस तरह पूजा करते समय रोली, फूल, फल का महत्व है, उसी तरह पूजन में कलश की स्थापना का विशेष महत्व है। ज्योतिषी कहते हैं कि कलश की स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। कहते हैं कि जिस कार्य की सिद्धि के लिए पूजन हो रहा है, उसकी सिद्धि में कलश का होना सफलता की मोहर होती है। चलिए आपको बताते हैं क्यों है कलश का इतना महत्व। कलश हिंदू धर्म की उपासना का एक बड़ा प्रतीक है। इसकी स्थापना करके ही पूजा की शुरुआत की जाती है। मान्यता है कि पहली बार कलश का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। मान्यता है कि पहली बार कलश में अमृत रखा गया था, इसलिए इसको मंगल कलश या अमृत कलश भी कहते हैं। जैन धर्म और अन्य धर्मों में भी कलश का विशेष प्रयोग होता है। ये तो आपको पता चल गया कि हिंदू धर्म में खासतौर से पूजन में किस तरह से कलश को इतना पवित्र माना गया है। मगर सवाल अब ये उठता है कि किसी भी पूजन में कलश की स्थापना कैसे करनी है? वो कौन से नियम हैं जिनको अपनाकर आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए? चलिए आपको बताते हैं। कलश को किसी अनाज की ढेरी या रंगोली पर स्थापित करें। कलश के ऊपर मंगल चिन्ह बने हुए हों और इस पर मौली लपेटी हुई हो। कलश जल से भरा होना चाहिए, जल में एक सिक्का होना चाहिए। कलश के मुख पर आम के पत्ते होने चाहिए और सबसे ऊपर एक नारियल भी होना चाहिए। कलश के दाहिनी तरफ एक दीपक जलना चाहिए, तब जाकर अनुष्ठान का आरंभ करना चाहिए। कलश स्थापना के नियम जानने के बाद कम से कम आप ये समझ गए होंगे कि पूजन में कलश भर रख देने से आपकी मनोकामना की पूर्ति नहीं हो जाएगी। कलश की स्थापना के नियम जानने के बाद ये भी जानना बेहद जरूरी है कि आप वो विधि भी जानें जिसकी विधि से कलश को पूजन में रखा जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं। कलश जहाँ रखना है वहाँ मिट्टी की वेदी बनाएं। वेदी पर हल्दी से अष्टदल बनाएं, फिर उस पर कलश रखें। कलश के अंदर पंच पल्लव, जल, दुर्वा, चंदन, पंचामृत डालें। फिर सुपारी, हल्दी, अक्षत, सिक्का, लौंग, इलायची, पान सुपारी डालें। इसके बाद कलश के ऊपर रोली से स्वास्तिक बनाएं। कलश के ऊपर आम के पत्ते भी रखने का विधान है। कलश पर नारियल रखने से पहले ऊपर कटोरी में जौ या गेहूं रखें। नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर रखें। इसके बाद पंचोपचार से कलश का पूजन करें। तो इस विधि से आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करवाए जा रहे पूजन में सफलता पाने के लिए कलश स्थापित कर सकते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि कलश की स्थापना में बहुत सी बातों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन आमतौर पर जो विधि सबसे आसान और सात्विक है वो हमने आपको बताई है। अगर हम आपको बताएंगे कि कलश स्थापना में
किस तरह की सावधानियां आपको अपनानी है और कलश का विसर्जन कैसे करना है। आप देखते रहिए धर्म। कलश जितना शुभ है उसके प्रयोग में उतनी ही सावधानियों की जरूरत भी होती है। कलश की शक्ति का प्रयोग सावधानी के साथ ही करना शुभ फल प्रदान करता है। तो कलश के प्रयोग की सावधानियां भी बताएंगे आपको और बताएंगे कलश के विसर्जन से जुड़ी खास बातें भी। देखिए, मनोकामना पूर्ति का मार्ग है कलश स्थापना। पूजन को शुभ बनाता है कलश। कलश के बारे में ये जानना भी बेहद जरूरी है कि अगर आप उसे स्थापित करते हैं तो उसके नियमों का पालन भी जरूर करें। साथ ही कलश स्थापना में कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। वो कौन सी सावधानियां हैं? चलिए आपको बताते हैं। कलश की स्थापना वाले घर में सात्विकता होनी चाहिए। इसके समक्ष बैठकर मंत्र जाप करना चाहिए। बिना अनुष्ठान की समाप्ति के कलश का मुख ना खोलें। कलश कम से कम एक दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक रख सकते हैं। प्रयास करें कि मिट्टी का कलश ही स्थापित किया जाए। कलश स्थापना और उसके पूजन के बाद उसको यूं ही भूल जाना भी कलश स्थापना के नियमों का उल्लंघन है। यहाँ से ध्यान देना जरूरी है कि अनुष्ठान के बाद स्थापित किए गए कलश का विसर्जन भी बहुत जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कैसे करते हैं कलश का विसर्जन। कलश के नारियल को तोड़कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इसके जल को घर के कोने कोने में छिड़कें। शेष जल से स्नान करें। कलश को प्रयोग में ला सकते हैं या जल में विसर्जित कर सकते हैं। ज्योतिषियों के बताए कलश स्थापना के नियम, सावधानियां और विसर्जन के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन ज्योतिषी कहते हैं कि मनोकामनाओं के हिसाब से भी अलग अलग कलश की स्थापना की जाती है। धन प्राप्ति के लिए मिट्टी का कलश रखें, जल में सुगंध डालें। आयु रक्षा के लिए तांबे का कलश रखें, उसके मुख पर अक्षत की ढेरी रखें। संतान प्राप्ति के लिए कलश में हल्दी डालें, मुख पर नारियल रखें। ग्रहों की समस्या के निवारण के लिए कलश में ग्रहों से संबंधित वस्तु डालें। हर तरह की कामना के लिए कलश में एक चांदी का सिक्का डालें। तो देखा आपने कैसे कलश आपकी मनोकामना पूर्ति की कुंजी की तरह काम करता है। कलश की स्थापना से जीवन में आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। कलश किसी पूजन में शुभता कारक है। ऐसे पूजन कलश स्थापित करके आप भी उसके गुणों का लाभ उठा सकते हैं। कलश के प्रयोग से कई प्रकार के लाभ भी जानकार बताते हैं। कहते हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कलश से जुड़े कई प्रयोग हैं। तो कलश से कैसे पूरी हो सकती है आपकी मनोकामनाएं, अब ये देखिए। कलश से जुड़ी कई बातें हमने आपको बताई हैं। कलश की स्थापना क्यों की जाती है ये भी हमने आपको बताया। ये तो आप जान गए कि पूजन में कलश की स्थापना करने से मनोकामना पूर्ति में मदद मिलती है, लेकिन उसके अलावा भी कलश स्थापना के कई फायदे हैं। कलश में नारियल रखने से घर में बीमारी दूर होती है। कलश पर नारियल का मुंह ऊपर की तरफ राहु के लिए रखा जाता है। पूजा में कलश रखने से कार्य सिद्धि का वरदान मिलता है। कलश स्थापना से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। अखंड धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रों में कलश स्थापना से मां दुर्गा की असीम कृपा मिलती है। तो कलश को सिर्फ कलश समझने की भूल ना करें। ज्योतिषियों की माने तो पूजन में रखे जाने वाले कलश की शक्ति काफी असरदार होती है। पूजन में कलश को पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से रखने से मनोकामना की पूर्ति में बाधाएं नहीं आती।
तो धर्म में आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।